ओके स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस तरह से वैरी करता है। इस वेरिएशन को स्टडी करेंगे हम लोग मेटल्स के लिए, एलॉय के लिए एंड लास्टली फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो हमें देखना है मेटल, एलॉय और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज करता है। अगर मेटल की बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेटल का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करता है। मींस एक मेटलिक वायर को हम जितना ज्यादा हीट करेंगे उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। व्हाट विल बी द रिलेशन फॉर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल विथ टेम्परेचर। तो हमें दिख रहा है एक रिलेशन R इक्वल्स टू आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। इफ यू रिकॉल क्लास 11th में भी हम लोग इस तरह का एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, याद होगा लेंथ एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन को डील करते समय जब भी हम किसी मेटल को हीट करते हैं उसमें लीनियर एक्सपेंशन होता है। विद राइज इन टेम्परेचर उसका लेंथ इंक्रीज करता है। अगर वो रिलेशन याद है तो एग्जैक्टली उसी तरह का एक रिलेशन को फॉलो कर रहा रेजिस्टेंस भी विथ टेम्परेचर। सो द रिलेशन इज आर इक्वल्स टू आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिंबल्स का मीनिंग बताते Here R is the final resistance. R0 is initial resistance. Delta T is change in temperature. Or alpha, that is called temperature coefficient of resistance or resistivity. Alpha is temperature coefficient of resistance or resistivity. Metal के लिए alpha का value positive होता है। For metals, alpha is positive. That means R greater than R0. कहने का मतलब है कि अगर हम किसी मेटल को हीट देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करेगा। सो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ फॉर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर मेटल्स, यू आर फाइंडिंग कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा। जैसा रिलेशन हम लोग आर के लिए लिखे है एग्जैक्टली वो रिलेशन रेजिस्टिविटी भी फॉलो करता है। तो रेजिस्टिविटी के लिए लिखेंगे रो इक्वल्स टू रो जीरो इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इस दोनों ही फॉर्मूले से हम लोग अल्फा को लिख सकते हैं आइदर आर माइनस आर जीरो बाई आर जीरो डेल्टा टी और रो माइनस रो जीरो बाई रो डेल्टा टी। तो मेटल्स के लिए विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। And you have to remember these two equations or these two formulas for numerical calculation. Again, keep it in mind कि metals के लिए temperature coefficient of resistance or resistivity का value positive होता है। What will be the SI unit of alpha? As you are seeing, R minus R zero both are having unit ohm. R0 का यूनिट है ओम और डेल्टा टी का यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन। सो एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज
डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और कैल्विन इनवर्स। बात करते हैं एलॉय का रेजिस्टिविटी, वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज करता है। इनफैक्ट एलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव तो है, मींस एलॉय का रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करेगा, बट इसके लिए अल्फा का वैल्यू नेग्लिजेबली स्मॉल है। इट मींस कि विद राइज इन टेम्परेचर एलॉय का रेजिस्टिविटी बहुत कम इंक्रीज करता है, और यू कैन से रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एज यू आर फाइंडिंग अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस, दैट मींस रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चूंकि एलॉय का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, डजेंट चेंज एप्रिसिएबली विद टेम्परेचर, इट मीन्स हम लोग एलॉय को यूज कर सकते हैं एक फिक्स्ड रेजिस्टर या एक स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाने के लिए, जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है, इट मींस अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। नाउ दिस इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जब हम लोग क्लास 12 में सेमीकंडक्टर को डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो वहां हम लोग को ये चीज क्लियरली दिखेगा कि सेमीकंडक्टर के लिए जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज करता है। दैट मींस विथ राइज इन टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। सो जस्ट कीप इन माइंड सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज करता। बाकी हम लोग इन डिटेल सेमीकंडक्टर में इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे।